गाइस कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं लकी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो गाइस होली हो चुका है ख़त्म और आई होप कि आफ्टर होली आप लोग फिर से अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन में जुट गए होंगे, अच्छे से मेहनत करने में लग गए होंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक होली मना रहे हैं, तो भाई उनसे एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप अपने करियर को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस होना तो फिर से एक बार अच्छे से लगन और मेहनत से अपने पढ़ाई में जुट जाओ, अपने प्रिपरेशन में लग जाओ। तो अभी जो टाइम चल रहा है ना, ये गोल्डन पीरियड है हमारी ज़िंदगी का। अगर आप सच में सीरियस हो अपने करियर को लेके, आपको कुछ करना है, अगर एक सीट कंफर्म करनी है लाखों की भीड़ में, तो फिर आपको मेहनत करनी होगी। तो गाइस तीन सवाल जो है ना वो मैक्सिमम बार कमेंट में आया है, तीन सवाल। तो वो तीन सवाल के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला सवाल है कि RPF कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक बताएं, ऐसा बुक बताएं जिससे कि एक ही बार में रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए, तो बेस्ट बुक के बारे में। दूसरा जो था वो CBT के बारे में, जो उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होता है, हमने कंप्यूटर नहीं सीखा, कैसे हम उसका एग्जामिनेशन देंगे, क्या RPF का फॉर्म भरने से पहले हमको कंप्यूटर सीखना आना चाहिए, कंप्यूटर सीखे। तो वो इस तरह के बहुत सवाल आते हैं कि CBT एग्ज़ाम कैसे होगा, हमें तो कंप्यूटर आता ही नहीं है, कैसे होगा। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि बिना कंप्यूटर सीखे आपको CBT एग्जामिनेशन कैसे देना है, तो इस वीडियो में बताऊंगी। तीसरा सबसे ज़्यादा कमेंट ये था कि RPF का जो मेरिट है वो किस बेस पे बनता है, रिटन बेस पे बनता है या फिजिकल बेस पे, और भी तमाम बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को पेशेंसफुली पूरा देखना है, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है आप लोगों के लिए, वीडियो को पेशेंसफुली पूरा देखना है। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो गाइस अब बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं RPF कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक के बारे में, मैं आपको बताती हूँ आज। सबसे पहले सिलेबस बताती हूँ। सिलेबस में 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 नंबर के, पर क्वेश्चन में एक नंबर, ठीक है। 120 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 120 नंबर के, अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, तो थोड़ा सा सोच के भरना है, ऐसा नहीं कि अंदाजे पूरा एकदम भर देना है, तो अच्छा से नेगेटिव मार्किंग भी है उसको देख के भरना है, ठीक है। 120 क्वेश्चन 120 मार्क के और 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो इसमें 50 क्वेश्चन जो होंगे, 120 में से 50 क्वेश्चन जो होंगे वो GK GS से होंगे, और इसमें करंट अफेयर भी आते हैं, ठीक है। GK GS प्लस करंट आप डाल लो उसमें, ठीक है। करंट अफेयर उसमें डाल लो, 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी रहेंगे, GK GS 50 नंबर के, उसी में करंट अफेयर भी रहेंगे, ठीक है। फिर 35 जो है वो 35 मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे, और 35 जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, 35 मैथ, 35 रीजनिंग और 50 GK GS, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो बहुत सारे ऐसे लोग पूछते थे कि आपका रिटन एग्जामिनेशन कैसे निकला, आपने कौन सा बुक को पढ़ा था। देखो भाई मैं मतलब प्रॉपर गांव से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। मेरे गांव में एक भी ट्यूशन वगैरह नहीं है जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी जहाँ से करवाया जाता होगा, ऐसा कोई सा भी ट्यूशन इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं था उस टाइम में, ठीक है, अभी भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं था। तो मैंने मतलब सेल्फ स्टडी किया, उस टाइम इतना फ़ोन भी नहीं चलता था, ठीक है, और फ़ोन भी नहीं चलता था मेरे पास, फ़ोन भी नहीं था, और मैंने सेल्फ स्टडी किया। उस टाइम मुझे YouTube वगैरह सब के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं था कि मैं किसी भी सर को फॉलो करूं या क्या पढ़ूं नहीं पढ़ूं। आजकल के ज़माने में YouTube से सब लोग मतलब देख लेते हैं कि मतलब प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह ये वो सब देख लेते हैं, लेकिन उस टाइम में कुछ भी नहीं था, मैंने सेल्फ स्टडी किया था। सबसे पहला जो बुक था मेरा वो रेलवे का सामान्य अध्ययन है, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस बुक को मैं हर एक एग्ज़ाम में पढ़ती हूँ, हर एक एग्ज़ाम में, अभी दरोगा का एग्ज़ाम दिया था मैंने, उसमें भी ये बुक पढ़ा था मैंने, तो इस बुक को मैं हर एक एग्ज़ाम में पढ़ती हूँ। तो ये बुक जो है ना ये बेस्ट बुक है, इसको आप नंबर 1 में रखो, ये बुक आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सामान्य अध्ययन आपके पास होना चाहिए। दूसरा बुक आपको दिख रहा होगा ये लूसेंट का GK है, ये सब्जेक्टिव है, ठीक है, तो इसको आपको अपने पास में रखना है, पढ़ना है अच्छे से, ये लूसेंट का GK है। फिर अभी आपको दिख रहा होगा लूसेंट का ये सामान्य विज्ञान है, ठीक है, वो ऊपर में जो है वो जनरल नॉलेज है और इसमें जनरल साइंस है, ठीक है। तो ये तीनों बुक आपके पास होना चाहिए। सामान्य रेलवे का SPD का जो है वो GK रहना चाहिए, फिर लूसेंट का GK रहना चाहिए सब्जेक्टिव, और फिर लूसेंट का साइंस रहना चाहिए, ठीक है। ये तीन बुक आपके मतलब GK GS 50 में से 45 प्लस नंबर आपको करवाएंगे ये बुक, अगर अच्छे से आपने पढ़ लिया तो, और अच्छे से पढ़ना है।
उसके बाद रही बात रीजनिंग की, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहले रीजनिंग नहीं पढ़ते हैं, तो उनको एक बार मतलब जब वो फॉर्म वगैरह फिल करेंगे तो उनको हेडेक होगा कि रीजनिंग कैसे तैयारी करें। तो भाई देखो, मेरे गाँव में कोई टीचर नहीं थे, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करना पड़ा था मुझे रीजनिंग में, ठीक है। तो गाइस अभी देखो, अभी आजकल आप लोगों के पास में फ़ोन है और मैक्सिमम सभी लोग के पास में फ़ोन होते हैं, ठीक है। अब आपको रीजनिंग कहाँ से सीखना है, तो रीजनिंग सीखना है यूट्यूब से, ठीक है। रीजनिंग आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, जो कैसे स्टार्टिंग में कैसे सीखे, रीजनिंग कैसे बनाए, 100 वीडियो आ जाएंगे आपके सामने में, और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे, समझने में थोड़ा सा हेल्पफुल लगे, उस वीडियो को देखें। रीजनिंग सीखने के लिए आपको पैसे वगैरह खर्च नहीं करने हैं, जब आपके पास फ़ोन है, नेट है, तो आराम से आप यूट्यूब पे सीखो, ठीक है। और सेम बात मैथ के लिए, मैथ के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा बुक पढ़े, तो भाई देखो, पहले मैथ में अगर आपको दिक्कत है तो मैथ आप सेम जैसे रीजनिंग सीखो के वैसे ही यूट्यूब पे सीखो, और उसमें भी अगर दिक्कत हो रही है तो एक बुक आपको बताऊंगी, आर एस अग्रवाल सर का ये बुक है, इस बुक को आप जरूर पढ़िए, बहुत ही पुरानी बुक है आर एस अग्रवाल सर का, इसको आप पढ़ो और बनाओ मैथ, बस इतने सारे ही बुक हैं। और तीन बुक उधर हो गए, एक आर एस अग्रवाल सर का बुक, चार हो गया। रीजनिंग के लिए अगर आप रीजनिंग बनाना सीख जाते हो, उसके बाद आप मार्केट से कोई सा भी रीजनिंग का बुक ले लो, आप प्लेटफॉर्म वगैरह किसी का भी, अब उससे तैयारी कर लो, हो गया। बस इतने सारे बुक हैं, इसी को कम से कम 4 से 5 घंटे आप पूरे दिन में निकाल के अपना प्लान बना लो कि किस बुक को किस टाइम में कैसे पढ़ना है और यूट्यूब से कैसे पढ़ना है, अपना टाइम बना लो सेटअप। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे या प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मतलब अभी कुछ नहीं कर रहे होंगे, तो उन लोगों के पास अच्छा खासा टाइम होगा। तो भाई आप लोग अपना जो बोलते हैं रूटीन बना लो, उसके हिसाब से फॉलो करो, पर डे फॉलो करो और अच्छे से पढ़ाई करो। उसके बाद CBT की बात करूँगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि CBT की एग्ज़ाम कैसे देंगे, तो भाई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एग्ज़ाम हुआ था दानापुर सेंटर था, मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं नॉलेज था। मैं वहाँ पे गई डरते डरते, मैं तो एकदम डर रही थी कि क्या होगा, पता नहीं सब लोग कहीं डांट ना दे कि कंप्यूटर नहीं आता है या कुछ भी, बहुत डर लग रहा था। लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं था, मुझे खुद से कुछ करना ही नहीं था। अगर वहाँ पे कोई क्लिक भी करना होता था तो अनाउंस होता था कि वहाँ पे जाके क्लिक करें और राइट क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करेंगे, वहाँ पे जाके या स्क्रॉल करें, वहाँ पे अनाउंस होता है। आपको अपने से कुछ नहीं करना है वहाँ पे, मतलब इतने मेंटर्स रहेंगे ना, गाइड करने वाले रहेंगे, टीचर रहेंगे, वो आपको बताएंगे, आपको खुद से कुछ भी नहीं करना है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। वो खुद बताएंगे कि आपको कब कहाँ क्या करना है, उसके बाद ही आपको कुछ करना है, आपको अपने मन से कुछ नहीं करना है वहाँ पे। और जब वो बोलेंगे क्लिक करने के लिए, उसके बाद ही, ठीक है। और बस इतना ही है। कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि अभी आप RPF का फॉर्म आने के बाद आप कंप्यूटर सीखने जाओ या कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं तो एकदम डरी डरी सी थी जो अब क्या होगा, पता नहीं कहीं डांट के भगा ना दे कि कंप्यूटर नहीं आ रहा कि एग्ज़ाम देने के लिए, तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। लेकिन जब मैंने देखा ना वहाँ पे, तो मुझे तो मज़ा ही आ गया। ये आपको लगेगा ना कि पेन पेपर वाला से एग्ज़ाम सबसे अच्छा यही है, तो भाई आपको बहुत मज़ा आएगा CBT में। वहाँ पे मतलब गाइड करने वाले सर लोग होंगे, बहुत सारे टीचर रहते हैं, और आपको कुछ भी दिक्कत होगा तो वो बताएंगे, आपको अपने से कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आप बस अभी से तैयारी करो रिटर्न एग्जामिनेशन की, ठीक है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं इसका मेरिट किस बेस पे बनता है, तो भाई मेरिट बनता है रिटर्न बेस पे, ठीक है। इसलिए रिटर्न में आपको ज़्यादा मतलब स्कोर गेन करने हैं, तो भाई इसके जो मेरिट है ना, तो मेरिट जो बनते हैं ना, वो रिटर्न बेस पे बनता है। इसलिए रिटर्न एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे खासे मार्क्स लाने होंगे आपको, क्योंकि लाखों कैंडिडेट जो है ना वो फाइट करेंगे, तो आपको उन सब में से अगर अलग बनना है तो अभी से उठ के मेहनत करनी है। और मेहनत करो भाई, तभी तो मतलब बोलते हैं ना इस शरीर में वर्दी आएगी, तो उसकी बात ही कुछ और होएंगी। तो भाई अच्छे से मेहनत करो और एक सीट कंफर्म करो, और फाइनल मेरिट भी जो है ना वो रिटर्न बेस पे बनेगा। तो पहले रिटर्न एग्जामिनेशन, फिर होगा फिजिकल, फिर होगा मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर ज्वाइनिंग, बस इसका ये प्रोसेस है। तो आपको अच्छे से मेहनत करना है अगर एक सीट कंफर्म करनी है तो। अगर खुद के ज़िंदगी में आप अपने करियर के प्रति सीरियस होना, थोड़ा सा भी सीरियस होना, तो भाई आप अभी से पढ़ने में लग जाओगे, और अच्छे से मेहनत करो, 5 से 6 घंटे पर डे निकालो खुद के लिए यार, और आपका एक सीट जरूर रहेगा अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो। अभी से प्रिपरेशन जारी कर दो, अभी काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, 5-6 महीने आप लोगों के पास में काफ़ी अच्छे खासे टाइम है, तो अच्छे से मेहनत करो और कोई ज़्यादा टेंशन हेडेक लेके नहीं पढ़ाई करना है, एकदम चिल मार के पढ़ना है, अच्छे से खुद को डेडिकेट करके पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। और हर एक इंसान की ज़िंदगी में कष्ट होते हैं,
और हमारे भी हैं, आपके हैं, बगल वाले के भी होंगे, सबके ज़िंदगी में कष्ट होते हैं, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। तो उन्हीं कष्ट में से बोलते हैं ना, स्ट्रगल करने का नाम ज़िंदगी है भाई, तभी तो स्ट्रगल करके आपको कुछ करना है उन सभी कष्ट को दूर करने के लिए, ठीक है। मम्मी पापा के ख्वाब को पूरे करने के लिए आपको कुछ करना है, तो अच्छे से मेहनत करें। और अगर आपने अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो अभी जाके अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। पहले प्लान बनाएं कि कैसे क्या पढ़ना है, रूटीन बनाएं, उसके बाद उसको फॉलो करें पर डे, अच्छे से मेहनत करें और एक सीट कंफर्म करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। और अगर आपके मन में कोई सभी सवाल वगैरह हो ना, RPF से रिलेटेड कुछ भी सवाल, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, मैक्सिमम कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, जब भी मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो अगर आपके पास भी कोई कमेंट है, तो कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।